जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहली बार इंडियन आर्मी इस्तेमाल करेगी भारत की प्राइवेट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैंड ग्रेनेड्स। ITBP और SSB को अगले महीने मिलेगी इंडियन स्टैंडर्ड वाली लेवल 5 की बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट। इंडियन एयरफोर्स की C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट की फ्लीट को मेंटेन करने के लिए लॉकहीड मार्टिन को इंडियन एयरफोर्स से मिला 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कैप्चर कर सकता है तालिबान। और साउथ चाइना सी में भारत ने फिलीपींस नेवी के साथ कंडक्ट करी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड फैसिलिटी का दौरा किया गया था। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि जो ये इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड है, ये भारत की उन चुनिंदा प्राइवेट कंपनीज में से एक है जिसे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जरूरी डिफेंस सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए चुना गया है। और आज 24 अगस्त को महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित इस कंपनी की फैसिलिटी के विजिट के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स का पहला बैच इंडियन आर्मी को सौंपा गया है। और इन ग्रेनेड्स के पहले बैच की डिलीवरी लेने के लिए इंडियन आर्मी चीफ भी इस फैसिलिटी में मौजूद थे। और इसके पहले बैच में करीब 1,00,000 मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स इंडियन आर्मी को सौंपे गए हैं। और भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इंडियन आर्मी किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करेगी। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2020 में भारतीय रक्षा मंत्रालय और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के बीच इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए करीब 1,00,000 मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इन ग्रेनेड्स के बल्क प्रोडक्शन क्लीयरेंस को मंजूरी मिली थी मार्च 2021 में। और प्रोडक्शन क्लीयरेंस मिलने के बाद केवल 5 महीने के अंदर ही इस कंपनी ने इन ग्रेनेड्स का पहला ऑर्डर आज डिलीवर भी कर दिया है। और ये बात एक बार फिर से भारत के प्राइवेट सेक्टर की कैपेबिलिटी को दर्शाती है। और इन नए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड से उन ग्रेनेड्स को रिप्लेस किया जाएगा जो इंडियन आर्म फोर्सेस में प्रथम विश्व युद्ध के जमाने से चले आ रहे हैं। और कंपनी को पूरा विश्वास है कि वे इन 1,00,000 ग्रेनेड्स का जो ऑर्डर है वो 2 साल के अंदर पूरा कर देंगे। और बाकी अगर आप DRDO द्वारा विकसित किए गए और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए इन नए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे कि इनकी क्या खासियत है, तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि DRDO की मदद के साथ जो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड द्वारा पहली बार मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स को बनाया गया है, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी का एक बड़ा उदाहरण है। और साथ ही रक्षा मंत्री का ये भी कहना था कि मुझे ये भी बताया गया है कि ये ग्रेनेड न केवल अधिक घातक है बल्कि इस्तेमाल करने के लिहाज से अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय भी है। और साथ ही इसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी जहां तक बात है इसकी एक्यूरेसी की तो वो 99% से भी अधिक है। और बाकी डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें निशुल्क टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी बड़ी चीजें भी शामिल हैं। क्योंकि रक्षा मंत्री का कहना था कि ऐसा होता है कि कई बार इंडस्ट्रीज अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 80-90% तक का खर्च कर देते हैं और जबकि प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो केवल 10-20% ही होती है। तो ऐसे में नई उभरती हुई इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बेहद ही मुश्किल काम हो जाता है। और इसी मुश्किल को कम करने के लिए सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उन्हीं में से एक है। बाकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की तरह ही अर्जुन Mk1 टैंक हो, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल हो या सी थ्रू आर्मर हो, और इसी तरह के ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमारी इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से स्वदेशी उत्पादन करने लगी है। और जिस स्पीड से इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में अपना योगदान दे रही हैं, तो एक्सपोर्ट उससे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही उसी अखबार में लिखा होगा कि इंडिया एज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड। अगले महीने सितंबर के अंत तक भारत की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को पहली बार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS मार्क लेवल 5 तक की बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट से इक्विप किया जाएगा। और जो ये BIS लेवल 5 तक की बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट है, ये खास करके उन CAPF पर्सनल को दी जाएगी जो कॉम्बैट ड्यूटीज, VIPs की सिक्योरिटी कवर, माओविस्ट हिट एरियाज या फिर जम्मू कश्मीर जैसे मुख्य वल्नरेबल लोकेशंस पर डिप्लॉय रहते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें ये जैकेट दी जाएगी। और इन जैकेट्स की डिलीवरी के लिए जो दिन शेड्यूल किया गया है वो है 23-24 सितंबर, और जिसके तहत करीब 4,000 बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट का ये पहला सेट CAPF पर्सनल को प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये वो जैकेट्स हैं जिन्हें नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया यानी कि BIS से सर्टिफिकेशन प्राप्त है। वरना अभी तक CAPF पर्सनल जो कॉम्बैट में बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस यानी कि NIJ से सर्टिफिकेशन मिला हुआ था, जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिसर्च डेवलपमेंट और इवेल्युएशन एजेंसी है। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए पहली बार इंडियन स्टैंडर्ड वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी जा रही हैं।
और वैसे भी अभी तक CAPF फोर्सेज जिन बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट्स का इस्तेमाल कर रही थी वो लेवल 4 कैटेगरी की थी, लेकिन अब जो दी जाएंगी वो लेवल 5 कैटेगरी की होंगी। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि जो ये 4000 लेवल 5 वाली BIS मार्क्ड बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट्स हैं, ये सबसे पहले CAPF के तहत आने वाली ITBP और SSB फोर्स के पर्सनल को प्रोवाइड की जाएगी और इस जैकेट की पर यूनिट कॉस्ट है करीब 40 से 45 हजार रुपीज। और ये मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाली जैकेट्स की तुलना में वजन में हल्की हैं और बुलेट के खिलाफ ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हम दो ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर करना चाहते हैं, और अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनर है या आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई भी जानने वाला है और आप टीम डिफेंस स्क्वाड के साथ एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करना चाहते हैं, तो आप defensexpnetwork@gmail.com पर अपना वर्क सैंपल हमें भेज सकते हैं। और अगर हमें आपका काम पसंद आता है तो आपको ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर टीम डिफेंस स्क्वाड में रखने में हमें बेहद ही खुशी होगी। तो अगर आप टीम डिफेंस स्क्वाड के साथ एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करने के लिए इच्छुक हैं तो अपना वर्क सैंपल हमें भेजना ना भूलें। इंडियन एयरफोर्स की 12C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट की फ्लीट के लिए एक डेडिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए लॉकहीड मार्टिन को इंडियन एयरफोर्स से करीब 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है $328.8 million। और C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पर लॉकहीड मार्टिन इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की फ्लीट को मेंटेन रखने के लिए लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग सपोर्ट एलिमेंट्स जैसी चीजें प्रोवाइड करेंगी। बाकी इसके अलावा कुछ अपडेट रशिया की तरफ से भी देखने को मिले हैं, जैसे कि जो क्रिविक क्लास की 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं जो इंडियन नेवी के लिए रशिया में बनाई जा रही हैं और जिन्हें प्रोजेक्ट 11356 या फिर तलवार क्लास फ्रिगेट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इनमें से पहली फ्रिगेट रशिया द्वारा अगले साल के मध्य तक भारत को डिलीवर की जाएगी। और इस बात की जानकारी रशियन ऑफिशियल्स ने मॉस्को में आयोजित की गई आर्मी 2021 की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दी है। बाकी क्रिविक क्लास या तलवार क्लास फ्रिगेट्स क्या है, इनकी क्या खासियत है, इस पर भी हमने डिटेल वीडियो पहले बनाई है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस पूरी फ्रिगेट की डील के बारे में और इस फ्रिगेट के बारे में जान सकते हैं। बाकी रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक बार फिर से कंफर्म किया गया है कि भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी इस साल के अंत से शुरू की जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि वर्तमान समय में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए रशिया में इंडियन मिलिट्री पर्सनल को ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान अभी तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और इनके पास से आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी रिकवर हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कश्मीर के IGP की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि इंडियन आर्मी की चिनार कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और कश्मीर के आवाम के सामूहिक प्रयासों के साथ इस साल यानी कि 2021 में अभी तक कश्मीर डिवीजन से 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर से गंदगी को साफ करने का जो अभियान है उसके तहत हमारी फोर्सेस ने इस साल अभी तक सेंचुरी तो मार ली है, और अभी तो 2021 को खत्म होने में करीब 4 महीने और बचे हैं, और ऐसा लगता है कि इस साल ऊपर काफी ट्रैफिक जाम रहने वाला है। और ऊपर हम कहां की बात कर रहे हैं ये तो आप सभी जानते ही होंगे। और जबकि आज बंदीपुरा से भी लश्कर के 6 एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस रिकवर हुए हैं। और जबकि आज असम में कुछ और लोगों को फेसबुक में तालिबान का सपोर्ट करने वाली पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, और इस तरह के मामले में गिरफ्तारी की जो संख्या है वो 16 तक पहुंच चुकी है। और जबकि इसी बीच वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि सोमवार को काबुल में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के प्रमुख ने तालिबानी लीडर अब्दुल घानी के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कंडक्ट करी थी। हालांकि CIA की तरफ से तो फिलहाल इस मीटिंग को लेकर कोई भी औपचारिक रूप से कमेंट नहीं किया गया है, और वैसे भी अगर ये मीटिंग सीक्रेट तरीके से हुई है तो फिर इस पर कोई औपचारिक कमेंट आने का मतलब बनता भी नहीं है। और जबकि ब्रिटिश आर्मी के एक फॉर्मर कमांडर ने तो इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो तालिबान के कंट्रोल में आ सकता है। और जबकि भाई हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली थी जिनमें ये कहा जा रहा था कि तालिबान ने जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में अमेरिकन वेपन्स अफगान आर्मी से कैप्चर किए थे, तो अब उन वेपन्स को पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा है। तो इसी रिपोर्ट के बीच अभी एक टॉप इंडियन मिलिट्री ऑफिसर की तरफ से कहा गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हथियार भारत में हिंसा शुरू करने से पहले खुद पाकिस्तान में पहले हिंसा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और इन्हें इस्तेमाल करेंगे ISI द्वारा समर्थित आतंकी संगठन। और एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिकन फोर्सेस ने पिछले 20 सालों में अफगान फोर्सेस को करीब 6.5 लाख से अधिक स्मॉल आर्म्स डिलीवर किए हैं जिनमें M16 और M4 जैसी असॉल्ट राइफल्स भी शामिल थी, और ये हथियार एक बड़ी क्वांटिटी में आर्मर्ड पियर्सिंग एम्यूनिशन और स्टील कोर बुलेट्स के साथ दिए गए थे। और लेकिन अब ये सभी तालिबान के कब्जे में है, और यही नहीं बल्कि तालिबान ने एक बड़ी संख्या में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को भी कैप्चर किया है जो कि अफगान फोर्सेस को अमेरिका द्वारा ही दिए गए थे। इंडियन आर्मी के रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश वाले मामले में दूसरे पायलट की तलाश अभी भी जारी है, और उन पायलट का नाम है कैप्टन जयंत जोशी, और उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया है, और जिसके तहत रणजीत सागर रिजर्वॉयर पर इंडियन आर्मी ने एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म को बनाया है, और इसी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से अब डाइविंग ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाएगा।
और इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट के मार्कोस कमांडोस की मदद के साथ पायलट की तलाश लगातार जारी है। बाकी एक रिपोर्ट यह है कि आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और नेशनल कैपिटल रीजन के मल्टीपल सिटीज में भारत के एलीट काउंटर टेररिस्ट यूनिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी कमांडोज द्वारा सिंक्रोनाइज तरीके से एक कमांडो ड्रिल को कंडक्ट किया गया था। और ये जो कमांडो ड्रिल है ये नेशनल मॉक एक्सरसाइज जिसका नाम है गांडीव, तो उसी के हिस्से के तौर पर 22 अगस्त से लॉन्च की गई थी जो कि 28 अगस्त तक जारी रहेगी। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि गांडीव महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के धनुष का नाम था। और जबकि कल 23 अगस्त सोमवार को साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी और फिलीपींस नेवी के बीच भी एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणविजय और गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा ने पार्टिसिपेट किया था। और जबकि फिलीपींस नेवी से पहले 18 अगस्त को इंडियन नेवी ने साउथ चाइना सी में ही वियतनाम नेवी के साथ भी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड तो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आपने डिफेंस कॉर्ड का ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिफेंस कॉर्ड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके डिफेंस कॉर्ड को वहां पर फॉलो जरूर करें। और बाकी इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हैं आप, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।